बारिश का रेड अलर्ट। बुधवार शाम को हुई बारिश से भारी आफत, दिल्ली में आज भी स्कूल बंद। दिल्ली में राजेंद्र नगर में हादसे वाले कोचिंग सेंटर के बाहर फिर से भरा पानी, घुटनों तक पानी में छात्र दे रहे हैं धरना। 27 जुलाई को बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की गई थी जान। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। उत्तराखंड में दो जगह फटा बादल, टिहरी में दो लोगों की मौत, तो केदारनाथ में फंसे 200 तीर्थयात्री सुरक्षित जगह पहुंचाए गए। सीएम धामी के हालात पर नजर। बारिश के बीच लखनऊ के गोमती नगर अंबेडकर पार्क से आई गुंडागर्दी की तस्वीरें, बाइक से जा रहे भाई बहन को हुड़दंगियों ने पानी में गिराया। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से हुए हादसे में अब तक 246 लोगों की मौत, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पीड़ितों से मिलेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी तेज, उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस को चेतावनी, बोले अब या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। तेहरान में हमास प्रमुख की हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का बदले का ऐलान, नेतन्याहू बोले देंगे करारा जवाब। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता मुईद खान और कर्मचारी हिरासत में, गर्भवती होने पर हुआ बड़ा खुलासा। पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन, पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। शूटर स्वप्निल खुसाले ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन के फाइनल में बनाई जगह। अंशुमान गायकवाड़ का कैंसर से निधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निधन पर दुख जाहिर किया। पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये है नया नाम। सह प्रायोजक देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, बेस्ट।